हनुमान मंदिर में केजरीवाल ने पूजा की है। कनॉट प्लेस पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जमानत मिलने के बाद उन्होंने जेल से बाहर आते इस बात का ऐलान किया था कि सबसे पहले वो पहुंचेंगे कनॉट प्लेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर, जहां पर वो दर्शन करेंगे। और इसके बाद ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे और पूजा अर्चना की। परिवार समेत अरविंद केजरीवाल ने पूजा की है। केजरीवाल के साथ इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी हनुमान मंदिर पहुंचे। खुद अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि आप भारी तादाद में हनुमान मंदिर पहुंचे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। परिवार समेत वो पहुंचे, भगवंत मान भी साथ में मौजूद। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। सुमंत हमारे संवाददाता हनुमान मंदिर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमंत, इस वक्त क्या हो रहा है, अपडेट दे जरा। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये जो प्राचीन जो हनुमान मंदिर है, वहां पूजा अर्चना करने के बाद सुरक्षा कारणों से अरविंद केजरीवाल को दूसरे गेट से यहाँ वो निकले। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए कि हनुमान मंदिर परिसर में ही ये प्राचीन शिव एवं नवग्रह मंदिर है, उसके भीतर फिलहाल अरविंद केजरीवाल यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी और पंजाब के सीएम भगवंत मान में मौजूद हैं। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जिस वक्त हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे थे, दिल्ली जो सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ लोग निकल गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में, जो प्राचीन शिव एवं नवग्रह मंदिर है, उस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सामने मैं ये तस्वीरें दिखाऊं, ये सारा उनका कैवलकेड लगा हुआ है। और पूरे मंदिर परिसर की प्रतिमा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए कि मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है, ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाहर लगातार नारेबाजी चल रही है। और सामने ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है, इसी रोड से अरविंद केजरीवाल आए थे। और ये सामने देखिए कि उनका पूरे कैवलकेड की गाड़ियां लगी हुई है, काफिले की। माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्राचीन शिव एवं नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अरविंद केजरीवाल आएंगे और फिर यहां से पार्टी दफ्तर जाएंगे। लेकिन इस बीच ताजा स्थिति यह है कि प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अरविंद केजरीवाल यहां पे शिव एवं नवग्रह मंदिर में भीतर पूजा कर रहे हैं। और जो बाहर समर्थक हैं, आप देखिए कि किस तरीके से उनमें काफी जोश है। सुमंत, अगर संभव हो तो इन लोगों से आप बात भी करें, क्योंकि पार्टी ये मानकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए हैं तो एक नई ऊर्जा पार्टी को मिलने वाली है चुनाव के समय पर खासतौर पर। नहीं, निश्चित रूप से प्रतिमा इसमें कोई दोराय नहीं है कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। आइए कार्यकर्ताओं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कितने जोश में है, और आप लोगों को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, बजरंग बली का आशीर्वाद इस पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर हमेशा से ही प्राप्त हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही जेल से निकले, उन्होंने कहा कि कल आप लोग बजरंग बली का दर्शन करके हम लोग चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इम्पैक्ट क्या होगा? पूरे देखिए, पूरे देश में इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश? हम आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सपूत हैं। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लाकर दिल्ली में सरकार बनाई है। सर, क्या होगा अरविंद जी के बाहर आने से? लोकतंत्र के अंदर में हमारी विजय हुई है। न्यायालय ने हमें मौका दिया है कि जाके अपनी बात रखें। और एक बात और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो गया, हम वॉलंटियर कंधे पे बिठा के चुनाव में क्या इफेक्ट होगा, क्या फायदा होगा चुनाव में? चुनाव में अभी आने से जो है सबके अंदर एक जोश आएगा और ये मैसेज जाएगा कि वास्तविक में तानाशाही नहीं चलेगी। चुनाव में केजरीवाल बिल्कुल फायदा होगा। जब कोई नेता आता है तो उसके कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ जाता है। जो जोश कार्यकर्ताओं को ठंडा था, वो जोश बढ़ चुका है और सारे लोग काम करेंगे और सारे लोग जीतेंगे। असर होगा अरविंद केजरीवाल के आने से, कार्यकर्ताओं का मोरल हाई हुआ है। और आपको लगता है कि और ज्यादा ताकत के साथ चुनावी मैदान? बिल्कुल ताकत के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। अभी हरियाणा और पंजाब के किसान लठ लेके बीजेपी वालों को ढूंढ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं विरोध कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब वो गरीब जनता भी लठ लेकर तैयार रहेगा बीजेपी को भगाने के लिए। केजरीवाल की पूजा अर्चना की है तस्वीरें, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे। इस वक्त अभी आप देखिए यहाँ पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूजा करते हुए अरविंद केजरीवाल को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही कहा था कि बजरंग बली की कृपा हुई है, और वो इसके बाद आपको बता दिए, देखिए भगवंत मान अब आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद पार्टी कार्यालय का रुख किया जाएगा और वहां पर अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उस पर सभी की नजर टिकी रहेगी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त,
दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। बाहर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जिनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत पर छूट जाने से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है और उन्हें लगता है कि चुनाव में अब जान आ जाएगी अरविंद केजरीवाल के आ जाने से। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पत्नी समेत पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी इस मौके पर मंदिर में ही मौजूद हैं। तो ये देखिए, पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का, और फिर ठीक बगल में मौजूद शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और वहां से क्या कुछ कहेंगे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय का रुख करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता जितेंद्र, उनका हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र बताइए, वहां पर पार्टी मुख्यालय पर क्या हलचल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाएं, ये देखिए अरविंद केजरीवाल 1 बजे पहुंचेंगे और उससे पहले यहां लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होनी है वो यहां पर उसकी तैयारियां इस वक्त आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहां पर मौजूद है और उनका आना अभी भी लगातार जारी है। इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही अब धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हैं उनका आना भी यहां पर शुरू हो चुका है। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। 1 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, उससे पहले पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि लगभग 1 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल की, उसकी तैयारियां यहां पर करीब करीब पूरी हो चुकी हैं जी। तो ये देखिए विशेष तौर पर मंच तैयार कर लिया गया और पार्टी मुख्यालय पर इस वक्त किस तरीके की हलचल है जितेंद्र बता रहे हैं। जितेंद्र, ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि आज 2 सभाएं भी अरविंद केजरीवाल को करनी है और ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटते ही अब जो सियासी पारा है वो ना केवल दिल्ली का बल्कि देश भर में, जहां जहां अरविंद केजरीवाल अगर जाते हैं तो वहां हाई दिखाई देगा। जी बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल को आज 2 रोड शो भी करने हैं। सबसे पहला कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली के अंदर और दूसरा दक्षिणी दिल्ली के अंदर। वहां जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में आज अरविंद केजरीवाल वहां पर बाकायदे ग्रैंड रोड शो करेंगे दोनों जगहों पर। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का अगले 20 दिनों का जो पूरा शेड्यूल है वो लगभग अब तैयार हो चुका है। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब में बल्कि हरियाणा में, राजस्थान में, तमाम राज्यों के अंदर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे इन अगले 20 दिनों तक। और अब आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, अब वो रणनीति भी पूरे तरीके से चुनाव कैंपेन को लेकर बदल चुकी है। एक नई रणनीति के साथ, एक नए कैंपेन के साथ और एक नई सोच के साथ पार्टी अब चुनाव में आगे बढ़ेगी जी।